हे गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द स्विस एग्जीक्यूटिव। सो बेसिकली हमने इससे प्रीवियस वीडियोस में स्विट्जरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस कर लिया था, उसके फीचर्स देख लिए थे एंड इवन उसका लेजिस्लेचर भी डिस्कस कर लिया था। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसके एग्जीक्यूटिव के बारे में। पहले तो इस एग्जीक्यूटिव का मतलब समझ लेते हैं। जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसका मीनिंग क्लियर होना इज वेरी नेसेसरी। सो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है वो चीज़ हम समझ लेते हैं। तो वैसे तो मैंने एग्जीक्यूटिव का मीनिंग बहुत बार बता रखा है आप लोगों को, बट इन केस अगर कोई नई ऑडियंस है तो उसके लिए मैं एक बार वापस से रिपीट कर रही हूँ दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव। सो वो चीज़ एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। तो एग्जीक्यूटिव इज बेसिकली लॉ इम्प्लीमेंटिंग बॉडी, एक ऐसी बॉडी जो लॉ को इंप्लीमेंट करती है, कानून को लागू करती है, तो दैट इज एग्जीक्यूटिव। तो वो चीज हमने यहां पर बोली। ओके, नाउ अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हम स्विट्जरलैंड के एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ने वाले हैं, और स्विट्जरलैंड के एग्जीक्यूटिव को फेडरल काउंसिल भी कहा जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू दैट। हम स्विस एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, बट ऑब्वियसली सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। जब भी हम आंसर्स लिखते हैं ना, तो सबसे फर्स्ट हेडिंग शुड बी इंट्रोडक्शन। ओके, ये इंट्रोडक्शन की हेडिंग डाल के आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना है अबाउट द क्वेश्चन। क्वेश्चन जो भी पूछ रहा है, जिसके बारे में भी पूछ रहा है, उस चीज़ को इंट्रोड्यूस करना है। लाइक जैसे मैं स्विस एग्जीक्यूटिव जो है आपको पढ़ाने वाली हूँ, उस चीज़ के बारे में समझाने वाली हूँ, तो पहले अपन इंट्रोडक्शन देखेंगे अबाउट द स्विस एग्जीक्यूटिव। आफ्टर दैट हम उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, सो वैसे ही एग्जाम्स में भी आपको ये करना है, चाहे क्वेश्चन किसी भी टाइप का है, आपको पहले उसे इंट्रोड्यूस करना है। आफ्टर दैट आप जो है मेन पॉइंट्स पे आओगे, या मेन जो भी चीज पूछी गई है, वेदर वो फीचर्स हो या कुछ भी चीज हो, वो चीज आप बाद में आओगे, बट पहले आप इंट्रोड्यूस करोगे उस क्वेश्चन को, या उस क्वेश्चन में जो भी पूछा गया है उसके बारे में आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दोगे। सो अभी हम स्विस एग्जीक्यूटिव के इंट्रोडक्शन की अगर बात करें, तो जो स्विट्जरलैंड का एग्जीक्यूटिव है वो एकदम स्विट्जरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह बिल्कुल यूनिक है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था जब हमने उसके कॉन्स्टिट्यूशन एंड उसके फीचर्स देखे थे, तब हमने बोला था कि जो स्विट्जरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है उससे एकदम यूनिक है। तो वैसे ही अगर स्विट्जरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन यूनिक है, तो उसका लेजिस्लेचर, उसका एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी भी ऑब्वियसली यूनिक होंगे। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि जो स्विट्जरलैंड की एग्जीक्यूटिव है, दैट इज जो फेडरल काउंसिल है, वो कहीं ना कहीं बहुत यूनिक है। बट अब ऐसी क्या चीज़ें हैं जो उसे यूनिक बनाती है, तो उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। एंड उन्हीं यूनिकनेस को हम बोलते हैं पैक्युलेरिटीज। बेसिकली ऐसे क्या फीचर्स है या ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि स्विट्जरलैंड में बहुत ही यूनिक है, या जो कि स्विट्जरलैंड की एग्जीक्यूटिव को एक यूनिक एग्जीक्यूटिव बनाती है, तो दैट आर ऑल्सो नोन एज यूनिकनेस ऑफ स्विस काउंसिल, और वी कैन से पेक्युलरिटीज ऑफ स्विस काउंसिल। तो सबसे फर्स्ट जो पेक्युलरिटी आती है या जो यूनिकनेस आती है स्विट्जरलैंड की एग्जीक्यूटिव की या उसकी फेडरल काउंसिल की, तो दैट इज अ प्लूरल एग्जीक्यूटिव। ये हमने फीचर्स में भी इवन डिस्कस किया था दैट स्विट्जरलैंड की जो एग्जीक्यूटिव है, इट इज अ प्लूरल एग्जीक्यूटिव। कि वो कैसी एग्जीक्यूटिव है? प्लूरल एग्जीक्यूटिव है। दैट मींस यहां पर सात सात एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज है, एंड उनके बीच में जो है को इक्वल पावर्स है। तो अब अगर हम स्विट्जरलैंड के एग्जीक्यूटिव को दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर करें, अगर हम उसे यूके, यूएसए एंड फ्रांस से कंपेयर करें, जहां पर एग्जीक्यूटिव पावर जो है, जो सुप्रीम एग्जीक्यूटिव पावर है, वो किसके पास है? एक सिंगल इंडिविजुअल के पास है। वेरस उसके एकदम अपोजिट जो है स्विट्जरलैंड में है, जहां पर वही सुप्रीम एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है? सात लोगों के पास है, एक प्लूरल बॉडी के पास है। मतलब सात लोगों में वो पावर्स जो है डिवाइड हो रखी है। तो दैट इज द केस इन स्विट्जरलैंड, कि स्विट्जरलैंड में जो एग्जीक्यूटिव है वहां पर प्लूरल एग्जीक्यूटिव है, वहां पे सात सात एग्जीक्यूटिव से, एंड वहां पे उनके बीच में को इक्वल पावर्स डिवाइडेड है। तो वहां पर जो स्विस एग्जीक्यूटिव से वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर या फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट जितनी इक्वल पोजीशन एंजॉय नहीं करते हैं। जितनी पोजीशन अमेरिकन प्रेसिडेंट एंड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एंजॉय करते हैं, वो पोजीशन वो लोग एंजॉय नहीं करते हैं, दैट इज स्विस एग्जीक्यूटिव। तो आई होप आपको ये जो फर्स्ट यूनिकनेस है स्विस एग्जीक्यूटिव की वो क्लियर हुई होगी, दैट इज प्लूरल एग्जीक्यूटिव।
तो अगर हम दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर करें तो वहां पर क्या होता है, या तो सिंगल इंडिविजुअल होते हैं या फिर प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर दोनों होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर ना एक एग्जीक्यूटिव है ना दो एग्जीक्यूटिव है, यहाँ पर सात सात एग्जीक्यूटिव है। तो दैट इज वन ऑफ द यूनिकनेस ऑफ फेडरल काउंसिल और वी कैन से द स्विस एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पर अब एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, दैट इज ब्राइस, उनके कुछ व्यूज है स्विस एग्जीक्यूटिव को लेके। एंड वो व्यूज क्या है कि वो बोलते हैं कि अगर हम मॉडर्न रिपब्लिक की बात करें तो कोई भी मॉडर्न रिपब्लिक ऐसा नहीं है जहां पर एग्जीक्यूटिव पावर एक इंडिविजुअल को देने की जगह वहां पर एक काउंसिल को दी हुई है। काउंसिल मतलब एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स को वहां पर वो एग्जीक्यूटिव पावर दे रखी है, तो ऐसा कोई भी रिपब्लिक नहीं है। तो अगर हम एग्जाम में कभी भी किसी भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट के व्यूज़ लिखते हैं ना, उनके उन्होंने अगर कोई चीज़ बोली है या कोई डेफिनेशन दी है, तो ऐसे में हमको क्या करना होता है, सेम लैंग्वेज लिखनी होती है। हम अपनी लैंग्वेज में फॉर्मुलेट करके नहीं लिख सकते हैं, तो इसको तो आपको जो है एज इट इज़ लिखना होगा, दैट उन्होंने क्या चीज़ बोली, उनके क्या व्यूज़ रहे हैं, तो उसको अपन को एग्जैक्ट लिखना होता है। ओके, नाउ अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें जो कि कहीं ना कहीं यूनिकनेस बताती है एक स्विस एग्जीक्यूटिव की, दैट इज लेंथी टेन्योर। अब यहाँ पे स्विट्जरलैंड में जो एग्जीक्यूटिव्स है उनका टेन्योर मतलब उनका जो टाइम पीरियड होता है या टर्म जो होता है वो बहुत ही लेंथी रहता है। अब कितना क्या रहता है वो चीज अब हम इस पॉइंट में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब जो ये लेंथी टेन्योर है स्विस काउंसलर्स का, दैट मीन्स जो स्विट्जरलैंड के एग्जीक्यूटिव्स है उनका ये जो लेंथी टेन्योर है, लेंथी टाइम पीरियड है, उससे क्या हुआ, एक पॉजिटिव रिजल्ट हमको देखने को मिला है, एंड वो है स्टेबिलिटी। मतलब गवर्नमेंट में या हम कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव में बहुत ही स्टेबिलिटी देखने को मिली है। अगर हम दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर करें तो हाँ, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं कि वहाँ पर मे बी स्टेबिलिटी ना हो, बट यहाँ पर यहाँ की सिचुएशन के लिए एक बहुत ही स्टेबल काइंड ऑफ गवर्नमेंट है यहाँ पे, तो वो चीज हमको देखने को मिली है ड्यू टू लेंथी टेन्योर, ठीक है। हालांकि यहाँ के जो काउंसलर्स है या फिर यहाँ के जो एग्जीक्यूटिव है उनको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग तो 4 इयर्स के लिए इलेक्ट किया जाता है, और कौन इलेक्ट करता है, तो जो फेडरल असेंबली है, दैट मींस जो लेजिस्लेचर है स्विट्जरलैंड की, उसके दोनों हाउस इलेक्ट करते हैं। बट प्रैक्टिस में अगर हम देखें, मतलब थ्योरी में तो लिख रखा है कि 4 इयर्स का टेन्योर है एग्जीक्यूटिव का, बट एक्चुअल प्रैक्टिस में अगर हम देखें तो एक बहुत ही लार्जर टेन्योर इन्जॉय करते हैं, एक लार्जर टेन्योर के लिए सस्टेन करते हैं। तो यहाँ पर थ्योरी में एंड प्रैक्टिस में एक डिफरेंस है, दैट इज थ्योरी में तो लिखा हुआ है कि जो टेन्योर होगा स्विस एग्जीक्यूटिव का वो होगा 4 इयर्स का, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस वो जो टेन्योर है वो कहीं ना कहीं एक्सटेंड हो जाता है, एंड वो चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलती है कहाँ पर, स्विट्जरलैंड में। तो इसकी वजह से जो स्विस एग्जीक्यूटिव है वो कहीं ना कहीं बहुत ही यूनिक है। नाउ द थर्ड पैक्युलरिटी जो कि कहीं ना कहीं स्विट्जरलैंड के एग्जीक्यूटिव को बहुत ही यूनिक बनाती है, दैट इज नॉन पार्टीशन। अब ये नॉन पार्टीशन क्या है, तो नॉन पार्टीशनशिप मतलब होता है बेसिकली कि यहाँ पे जो स्विट्जरलैंड के एग्जीक्यूटिव है, जो कि अपन ने बोला एक प्लूरल बॉडी है जहाँ पर 7 एग्जीक्यूटिव्स है, तो वो सब एक ही पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, एक ही पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, फिर भी वो साथ में मिलके वर्क करते हैं, साथ में मिलके अपना काम करते हैं। तो वो चीज़ हमको यहाँ पर देखने को मिलती है इन द स्विस एग्जीक्यूटिव और इन द फेडरल काउंसिल। तो अब ये जो नॉन पार्टीशनशिप है काउंसिलर की, दैट मीन्स वो जो पूरी काउंसिल है जो कि 7 एग्जीक्यूटिव से मिलके बनी हुई है, तो ये जो नॉन पार्टीशनशिप है तो इससे क्या हुआ है, एग्जीक्यूटिव में स्टेबिलिटी आई है, और ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है किसका, स्विस काउंसिल का। हालांकि जो काउंसलर्स होते हैं वो वेरियस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, बट वो पार्टी बेसिस के अकॉर्डिंग फंक्शन नहीं करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग कर सकते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको अभी बोला था दैट यहाँ के जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। मतलब वो 7 एग्जीक्यूटिव है तो 7 अलग पॉलिटिकल पार्टी से भी बिलोंग कर सकते हैं, या थोड़ी बहुत अलग पॉलिटिकल पार्टी से भी वो बिलोंग कर सकते हैं, ठीक है। बट वहां पर वो जब फंक्शन करेंगे, वो जब काम करेंगे, तो बीच में वो पार्टी बेसिस नहीं लाएंगे कि मेरी पार्टी ये है तो मेरी अपोजिशन पार्टी के मैं हमेशा अगेंस्ट ही बोलूंगा, या मैं इसको फेवर करता हूँ, इसको सपोर्ट करता हूँ तो इसके हमेशा फेवर में ही बोलूंगा, तो ऐसी चीज़ नहीं है। जब वो काम करते हैं तो मिलके साथ में काम करते हैं,
जैसे कि घर में नहीं होता क्या कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होते हैं, सबके अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, अलग अलग राय होती है, बट जब साथ में काम करने की बारी आती है तो पूरी फैमिली मिलकर साथ में उस चीज़ को करती है, उस चीज़ को अच्छे से हैंडल करती है। तो सेम वैसे वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से ज़रूर बिलोंग करते हैं, बट जब फंक्शन करने की बात आती है, जब काम करने की बात आती है, तो वो कोई पार्टी बेसिस नहीं रखते हैं, वो पार्टी बेसिस को बीच में नहीं लाते हैं, ठीक है, कि मैं कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग कर रहा हूँ या सामने वाला कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग कर रहा है, तो उस चीज़ को बीच में नहीं लाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि स्विट्जरलैंड के अंदर जो स्विस काउंसिल है वो एक हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ बॉडी है, एक हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ पॉलिटिशियंस है। हेट्रोजीनियस मतलब होता है जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से बिलोंग करते हैं, जैसे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग कर रहे थे, एंड होमोजीनियस होता है जब सब एक ही पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते, ठीक है। तो ये जो स्विस काउंसिल है वो हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ पॉलिटिशियंस है, तो उनको जो चूज किया जाता है वो इस अकॉर्डिंग चूज किया जाता है कि वो कितने पोटेंशियल है या कितने एबल्ड है एज एडमिनिस्ट्रेटर्स, कि वो एडमिनिस्ट्रेट अच्छे से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो उस अकॉर्डिंग उनको चूज किया जाता है उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये था हमारा थर्ड फीचर, दैट इज नॉन पार्टीशनशिप, जो कि कहीं ना कहीं स्विट्जरलैंड के एग्जीक्यूटिव को या फेडरल काउंसिल को यूनिक बनाता है। तो अभी हम पेक्यूलरिटीज डिस्कस कर रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं यूनिकनेस डिस्कस कर रहे हैं स्विस एग्जीक्यूटिव की। आफ्टर दैट हम उसकी पावर्स एंड फंक्शंस को भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, कि क्या उसकी पावर्स एंड फंक्शंस है स्विस एग्जीक्यूटिव के या फेडरल काउंसिल के। नाउ फोर्थ फीचर आता है या फोर्थ यूनिकनेस आती है स्विस एग्जीक्यूटिव की, दैट इज नीदर पार्लियामेंट्री नॉर प्रेसिडेंशियल, कि जो स्विस एग्जीक्यूटिव है वो ना तो पार्लियामेंट्री है ना ही प्रेसिडेंशियल है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके अंदर क्या चीज़ है उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब आई डोंट नो दैट कि आपको पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल का मतलब क्लियर है या नहीं है, बट मैं फिर भी आपको बता देती हूँ दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, कि दो टाइप्स की गवर्नमेंट होती है, एक पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है, एक प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है। उसका एक मेन फीचर होता है जिससे हम पता लगाते हैं दैट इट इज अ पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। तो इस पे मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, इन केस अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप वो भी वीडियो जाके देख सकते हो, एंड उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, सो यू कैन गो एंड चेक आउट देयर। ओके, बट अभी के लिए हम एक ब्रीफ में थोड़ा सा समझ लेते हैं दैट पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट एक्चुअली है क्या। सो उसका एक मेन फीचर है दैट इज पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो वहां पर जो हमारी एग्जीक्यूटिव होती है वो आंसरेबल होती है टू द लेजिस्लेचर, और वी कैन से वो रिस्पॉन्सिबल होती है, या फिर हम कह सकते हैं वो अकाउंटेबल होती है टू द लेजिस्लेचर, तो दैट इज इन द पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट। एंड इसका एकदम अपोजिट जो होता है वो होता है हमारा प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पर एग्जीक्यूटिव जो है अपने फंक्शंस के लिए या अपने डिसीजंस के लिए लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल या आंसरेबल नहीं होती है, तो दैट इज इन प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट। आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा कि क्या है पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट। ओके, तो अब ये जो स्विस एग्जीक्यूटिव है या अब ये जो फेडरल काउंसिल है वो क्या करती है, वो पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन दोनों के जो है काइंड ऑफ डिसएडवांटेजेस को अवॉइड करते हुए, उनके डिफेक्ट्स को अवॉइड करते हुए वो उनके बेनिफिट्स, उनके एडवांटेजेस को जो है गेन कर लेती है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि अगर हमको किसी और से कुछ सीखने को मिल रहा है तो हमको वो चीज़ें जो उसमें अच्छाई है, जो उसमें क्वालिटीज़ है, वो चीज़ अपने में अडॉप्ट कर लेनी चाहिए, एंड उसकी जो बुराइयाँ है या जो उसकी नेगेटिव क्वालिटीज़ है उसे हमको अवॉइड करना चाहिए, उसे हमें निग्लेक्ट करना चाहिए। तो सेम वैसी इसने क्या करा, स्विस एग्जीक्यूटिव ने या फेडरल काउंसिल ने, इसने जो है पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल में जो भी डिफेक्ट्स थे उसको तो अवॉइड करा, एंड जो भी अच्छी क्वालिटीज थी उसे गेन कर लिया। अब वो क्या चीज़ें थी वो अब हम डिस्कस करते हैं कि अब यहाँ पे सबसे पहले प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट में उसका एक बेनिफिट देखने को मिला, एक पॉजिटिव क्वालिटी देखने को मिली, दैट इज परमानेंस एंड स्टेबिलिटी, कि प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं परमानेंसी रहती है, थोड़ी स्टेबिलिटी रहती है, जिसकी वजह से कोई भी पॉलिसी कंटिन्यू हो पाती है। तो वो मेरिट जो था या फिर वो जो बेनिफिट था या वो जो पॉजिटिव क्वालिटी थी वो उसने क्या कर ली, स्विस एग्जीक्यूटिव ने या फेडरल काउंसिल ने जो है अडॉप्ट कर ली। तो पहली पॉजिटिव क्वालिटी क्या अडॉप्ट करी, कि जो परमानेंस और स्टेबिलिटी है कहाँ पर, प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट में, जिसकी वजह से पॉलिसी कंटिन्यू रह पा रही है, तो उस चीज़ को इसने अडॉप्ट कर लिया, ठीक है।
तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, दैट एग्जीक्यूटिव जो होता है वो लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होता है या आंसरेबल होता है, तो सेम वही कि अगर पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट है तो उसका एक सबसे बड़ा पॉजिटिव क्वालिटी ये है कि वहां पर हारमनी होती है बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। हारमनी मतलब कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो है वो दोनों मिलजुल कर काम करते हैं और बहुत ही ढंग के तरीके से काम करते हैं, तो वो वाली जो पॉजिटिव क्वालिटी थी वो भी फेडरल काउंसिल ने अपने अंदर अडॉप्ट कर ली। एंड इसका जो नॉन पार्टीशन वाला कैरेक्टर था, दैट मीन्स जहाँ पे हमने बोला था कि ये जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो वो उसका एडिशनल बेनिफिट था। वो मतलब इसने किसी की पॉजिटिव क्वालिटी ली नहीं है, वो उसने खुद ने अपने आप से जो है अपने अंदर ये पॉजिटिव क्वालिटी लेकर आई है। तो वो क्या क्वालिटी थी? दैट इज नॉन पार्टीशनशिप, कि उसने ये प्रेसिडेंशियल या पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट से नहीं ली है, उनकी पॉजिटिव क्वालिटीज नहीं ली है, वो उसके अंदर ऑलरेडी उसने जो है एक पॉजिटिव क्वालिटी जो है काइंड ऑफ बिल्ड करी। तो दैट इज व्हाट वी कैन से इन दिस केस। नाउ नेक्स्ट फीचर जो कि कहीं ना कहीं स्विस एग्जीक्यूटिव को या फेडरल काउंसिल को यूनिक बनाता है, तो दैट इज पेक्यूलियर रिलेशन बिटवीन द फेडरल काउंसिल एंड फेडरल असेंबली। फेडरल काउंसिल इज द एग्जीक्यूटिव एंड फेडरल असेंबली इज द लेजिस्लेचर। यहाँ की जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव है उनके बीच में कहीं ना कहीं बहुत ही पेक्यूलियर और एक बहुत ही यूनिक रिलेशन हमको देखने को मिलते हैं। अब वो यूनिक रिलेशन क्या है वो चीज हम देखते हैं। यहाँ पर अगर हम यूएसए से कंपेयर करें तो यहाँ की जो स्विस एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर से एकदम इंडिपेंडेंट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है एग्जीक्यूटिव एकदम इंडिपेंडेंट, लेजिस्लेचर एकदम इंडिपेंडेंट, तो ऐसी चीज यहाँ पर नहीं है। जैसा कि यूएसए में है उसके एकदम अपोजिट यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एकदम इंडिपेंडेंट नहीं है, बट यूएसए में क्या होता है, यूएसए में एकदम इसका अपोजिट होता है। वहां पर स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स है कि एग्जीक्यूटिव अपना काम करेगी, लेजिस्लेचर अपना काम करेगी, दोनों एक दूसरे के काम में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। वहां पर स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स है, तो ऐसा केस यहाँ स्विट्जरलैंड के एग्जीक्यूटिव में हमको देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर जो है एकदम इंडिपेंडेंट नहीं है। हाँ ये चीज जरूर है कि थोड़े बहुत इंडिपेंडेंट है कि दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये इसके मैटर में थोड़ा सा भी नहीं बोल सकती या ये इसके मैटर में थोड़ा सा भी नहीं बोल सकता। तो ऐसा चीज यहाँ स्विट्जरलैंड में हमको देखने को या उसके एग्जीक्यूटिव में देखने को नहीं मिलती है। तो हमने बोला कि जो फेडरल काउंसिल है स्विट्जरलैंड की वो इतनी इंडिपेंडेंट भी नहीं है कि जितना यूएस के अंदर है, तो वो इतनी डिपेंडेंट भी नहीं है कि जितना यूके के अंदर है, कि यूनाइटेड किंगडम में जितनी एग्जीक्यूटिव डिपेंडेंट है ऑन द लेजिस्लेचर तो वो इतनी डिपेंडेंट भी नहीं है। तो यूके में क्या होता है, तो यूके में जो मेंबर्स होते हैं कैबिनेट के वो क्या होते हैं, पार्लियामेंट के भी मेंबर्स होते हैं। मतलब जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स है, जो कैबिनेट के मेंबर्स है, वो पार्लियामेंट के भी मेंबर्स है। और वो कब तक पावर में रहते हैं, तो जब तक वो उस हाउस ऑफ कॉमन्स का कॉन्फिडेंस होल्ड करते हैं तब तक ही वो जो है पावर में रह सकते हैं। इसलिए स्विट्जरलैंड के अंदर एक मिड वे अपनाया गया है कि ना तो वो एकदम इंडिपेंडेंट है ना ही वो एकदम डिपेंडेंट है, बट वहां पर क्या होता है उसके लिए एक मिड वे अपनाया गया है। एंड वो मिड वे क्या है कि यहाँ पे जो फेडरल काउंसिलर्स होंगे, मतलब जो एग्जीक्यूटिव होंगे जो कि मेंबर्स है फेडरल काउंसिल के, तो वो फेडरल काउंसिलर्स, ठीक है, तो जो फेडरल काउंसिलर्स होंगे वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं रह सकते हैं ऑफ फेडरल असेंबली। कि जो लेजिस्लेचर है उसमें चाहे कोई सा भी हाउस हो, चाहे वो अपर हाउस हो चाहे वो लोअर हाउस हो, वो उसके मेंबर्स नहीं रह सकते हैं। बट इन केस अगर इलेक्शन के टाइम पे वो इनमें से किसी भी एक के मेंबर्स है, तो इलेक्शंस के बाद वो जब इलेक्ट हो जाए तो उसके बाद उनको वहां से सीट्स अपनी वेकेट करनी पड़ेगी, दैट मीन्स वहां से सीट अपनी खाली करनी पड़ेगी और वहां से मेंबरशिप अपनी रिजाइन करनी पड़ेगी। तो वो चीज यहाँ पे बोली गई है। सो आई होप आपको ये पेक्यूलरिटीज जो है स्विस काउंसिल की वो क्लियर हुई होगी कि क्या ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से जो स्विस काउंसिल है, दैट मींस जो फेडरल काउंसिल है, वो इतनी यूनिक है। तो ऐसी क्या चीजें हैं जो उसे यूनिक बनाती है, तो ये कुछ पांच पॉइंट्स थे जिसमें हमने ये सब चीजों के बारे में डिस्कस करा, दैट व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक फेडरल काउंसिल एज अ यूनिक काउंसिल। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो हम पावर्स एंड फंक्शंस की बात करेंगे कि स्विस एग्जीक्यूटिव की क्या पावर्स और फंक्शंस हैं, जिसमें हम उसकी लेजिस्लेटिव पावर्स, उसकी एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड जितनी भी पावर्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो इन केस अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आती है, देन डोंट फॉरगेट टू हिट दैट थम्स अप बटन। एंड ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल, तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। एंड ऑल्सो डू लेट मी नो
योर फीडबैक्स इन द कमेंट सेक्शन कि मेरे को कहाँ पर इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, या फिर मैं कहाँ पर लैग कर रही हूँ, या क्या चीज़ मैं जो है सही जा रही हूँ और मुझे वो कंटिन्यू रखनी चाहिए, या नेक्स्ट मुझे किस टॉपिक पे वीडियो लेके आना चाहिए. तो प्लीज़ डू लेट मी नो ऑल योर फीडबैक्स. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू एनालाइज कि मेरी वीडियोज़ जो है वो आपके लिए यूजफुल भी प्रूफ हो रही है या नहीं हो रही है. पता चला मैं वीडियोज़ बना रही हूँ एंड वो आपके कुछ हेल्प नहीं आ रही है या फिर कुछ यूज़ में नहीं आ रही है, तो ऑब्वियसली वो चीज़ नहीं होनी चाहिए. तो इसलिए प्लीज़ डू लेट मी नो योर फीडबैक्स इन द कॉमेंट सेक्शन. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस एंड डोंट फर्गेट टू हिट दैट बेल आइकॉन टू गेट नोटिफाइड. ओके सो या बाय बाय, टेक केयर.